आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में अतीसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने लिकर माफिया और भाजपा के ऊपर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि गोवा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में लीगल ड्रिंकिंग एज 18 साल है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2017 में अवैध शराब की 300 बोतलें पकड़ी गई थी। इस अवैध शराब के रैकेट का भांडाफोड़ स्वाति मारीवाल ने नरेला में किया था। आगे अतिसी ने बताया कि बीजेपी एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है कि इन अवैध शराब के रैकेट से उन्हें जो भी पैसा आता है वह बंद हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई है कि दिल्ली में लिकर माफिया को खत्म किया जा सके। दिल्ली में लिकर माफिया को खत्म करना, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले कई सालों में प्राइवेट स्कूल के माफिया को खत्म किया है, टैंकर माफिया को खत्म किया है, प्राइवेट अस्पतालों के माफिया को खत्म किया है, उसी तरह से दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक नई पॉलिसी की शुरुआत करी है कि दिल्ली में जो लिकर माफिया का पूरा होल्ड है, जिस तरह से पूरा कंट्रोल है, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से ये नई पॉलिसी लिकर माफिया को खत्म करने के लिए आई है, बीजेपी वाले बहुत परेशान हैं। बीजेपी वाले रोज कुछ ना कुछ विरोध करते हैं। तो समझने की बात ये है कि एक ऐसी पॉलिसी जो लिकर माफिया को खत्म करने का प्रयास कर रही है, बीजेपी उसका विरोध क्यों कर रही है। पहली बात, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो ड्रिंकिंग एज है वो आप क्यों कम कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। लेकिन जब हम अलग अलग राज्यों की ड्रिंकिंग एज देखने जाते हैं तो ये पता चलता है कि भाजपा शासित कई राज्यों में ड्रिंकिंग एज दिल्ली से भी कम है। आप अगर देखिए गोवा और हिमाचल प्रदेश, दोनों राज्य जहां पे भाजपा की सरकार है वहां पे लीगल ड्रिंकिंग एज 18 साल है। कर्नाटका में भी, अब तो तीन राज्य जहां पे भाजपा की सरकार है, गोवा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका, इन तीनों राज्यों में लीगल ड्रिंकिंग एज 18 साल की है। और भाजपा रूल्ड कई स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, इनमें ड्रिंकिंग एज 21 साल है। तो जब दिल्ली लीगल ड्रिंकिंग एज को 21 साल करती है तो भाजपा वाले क्यों विरोध करते हैं। मैं बताती हूं आपको कि क्यों विरोध करते हैं। वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आज जब दिल्ली में अक्सर रेस्टोरेंट्स में या दुकानों में 21 साल की उम्र से ज्यादा, लेकिन 25 साल की उम्र से कम के लोग जब जाते हैं रेस्टोरेंट्स में अल्कोहल के कंजम्पशन के लिए या दुकानों से खरीदने के लिए, तो उन रेस्टोरेंट से और उन दुकानों से हफ्ता लिया जाता है कि भाई हफ्ता दे दो, 21 साल से कम, 25 साल से कम उम्र के लोग यहाँ पे शराब खरीदने आ रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन दुकानों के साथ, उन रेस्टोरेंट्स के साथ, उन क्लब्स से पूरी हफ्ता वसूली होती है। और वो हफ्ता वसूली भाजपा के नेताओं के पास जाती है। तो अगर दिल्ली सरकार लीगल ड्रिंकिंग एज को 21 साल कर देगी और उसके बाद तो 21 साल से उम्र के ज्यादा के लोग जब लीगली किसी भी रेस्टोरेंट से अल्कोहल खरीद सकते हैं, किसी क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, तो उन दुकानों का हैरेसमेंट खत्म, उन क्लब्स का हैरेसमेंट खत्म, उनकी हफ्ता वसूली खत्म और भाजपा की उससे होने वाली इनकम भी खत्म। तो भाजपा विरोध इसलिए कर रही है कि उनके नेताओं के पास जो दुकानों से, रेस्टोरेंट से, क्लब से हफ्ता आता था, उस हफ्ते पर दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी रोक लगाने जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि अभी तक बहुत सारी दिल्ली के ऐसे हिस्से थे जहां पर लीगल अल्कोहल शॉप्स नहीं थी। इस वजह से, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से,
दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों में इल्लीगल लिकर बिकता रहा है। कुछ साल पहले आप सब लोगों को याद होगा 2017 में DCW की अध्यक्षा, महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने नरेला में एक इल्लीगल लिकर का रैकेट बस्ट किया था। उन्होंने एक घर में जाके ये पाया था कि 300 से ज्यादा शराब की बोतलें, इल्लीगल शराब की बोतलें उस घर में मौजूद थी और वहां पे लोकल लोग उन्हें खरीदते भी थे और कंज्यूम भी करते थे। इनको हजारों करोड़ रुपया हर साल ये इल्लीगल लिकर बेचकर बीजेपी के नेताओं की जेब में आ रहा है। तो भाजपा आज एक्साइज पॉलिसी का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि जो हजारों करोड़ रुपया उनको इल्लीगल शराब बेचकर उनकी कमाई होती थी, जो क्लब से रेस्टोरेंट से हफ्ता वसूली करके उनके पास पैसा आता था, क्योंकि इस लिकर माफिया पे लगाम लग रहा है इसलिए भाजपा के पेट में अब दर्द होना शुरू हो गया है। और भाजपा नहीं चाहती है कि ये एक्साइज पॉलिसी आए और इस लिकर माफिया पे लगाम लगे। क्यों? क्योंकि उनके साल के हजारों करोड़ रुपए जो वो इस इल्लीगल धंधे से कमा रहे थे वो अब खत्म होने वाले हैं। थैंक यू मैम। आप बता रहे हैं कि जो रैकेट चला था वो कौन सी जगह का था? 2017 में स्वाति मालीवाल जी ने नरेला में एक ये रैकेट को एक्सपोज किया था और ये दिसंबर 2017 की बात है। और ऐसे इल्लीगल लिकर के रैकेट्स दिल्ली के हर इलाके में चलते हैं, खासकर के उन इलाकों में चलते हैं जहां पे लीगल लिकर की दुकानें नहीं है, जहां पे लाइसेंसेस नहीं दिए गए। और इन इल्लीगल दुकानों पे ना सिर्फ नकली दारू मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमने देश भर में देखा है कि इस नकली दारू से कितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हमारे देश में हुए हैं, और दूसरी बात कि इस इल्लीगल दारू से जो लिकर माफिया है उसका पैसा सीधा भाजपा के नेताओं के पास जाता है, उनकी जेब में जाता है।